हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि साइंस बायोलॉजी का है। आपका ये चैप्टर 6 है और इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम समझते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ दिया गया है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। जैव मतलब होता है जीवन और प्रोसेस मतलब होता है, या प्रक्रम मतलब होता है प्रोसेस, जो जीने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, कैसे संयुक्त रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो जीवित रहने के लिए, मान लीजिए कि कोई भी जीव है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई जीव है, तो इसे जीवित रहने के लिए जो भी प्रक्रिया करनी होती है, जैसे कि पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ठीक है, इन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, अब है हमारा पोषण, कि पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं? तो देखिए, भोजन ग्रहण करना, ठीक है, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग। शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए क्या? उनका उपयोग यानी कि पोषण का उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि ये वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थ मतलब जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश, इसमें तो जान नहीं होती है, तो इसका उपयोग करके जो जीव अपने भोजन को बना लेते हैं, उस तरह के जीव को क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, ये स्वपोषी पोषण के जीव में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं कि विषमपोषी पोषण क्या है यानी कि हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर, किसके ऊपर? अन्य जीवों पर मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, उसे ही हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। ठीक है, देखिए उदाहरण इसका क्या है। मानव व अन्य जीव, जैसे कि मानव अन्य जीव क्या होते हैं? दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है देखिए। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। देखिए, ये जो स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है? हरे पेड़ पौधे में, जैसा कि मैं बताया। अच्छा, कुछ जीवाणुओं में भी होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये स्वपोषी पोषण या पोषण क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा आगे क्या दिया हुआ है। अब आता है हमारा प्रकाश संश्लेषण। क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि CO2, जल के रूप में लिए जाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्या कहता है पूरा समझते हैं हम लोग। देखिए, यह वह प्रक्रम है जो कि स्वपोषी बाहर से पदार्थों को ऊर्जा संचयित रूप में परिवर्तित कर देते हैं यानी कि ऊर्जा देने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। ये पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जल होते हैं, खनिज होते हैं, ठीक है, और जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। जो कच्चे पदार्थ को लिया जाता है उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका एक तरह का एनर्जी ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए CO2 लिया, उसके बाद H2O लिया, क्लोरोफिल है सूर्य की प्रकाश जो कि आपका सन से आ जाता है सूर्य की प्रकाश, और ये क्लोरोफिल पत्तों में पाया जाता है जो ग्रीन पत्ते होते हैं। देखिए, ये मान लीजिए पत्ते हैं, तो इसमें जो हरे पदार्थ जो दिखते हैं, ये जो पत्ते हरे दिखते हैं, इसका कारण क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग भोजन बनाते समय पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या रिएक्शन बना, C6H12O6 यानी कि इसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं इसको, और
O2 बनाता है यानी कि ऑक्सीजन देता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पेड़ पौधे के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है, ठीक है, उसके लिए पेड़ पौधे के लिए ये O2 हानिकारक है, ठीक है। और क्या देता है, H2O जो कि वाष्प के रूप में देता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस जो पानी होती है पेड़ में या पेड़ की पत्तियों में, तो पत्तियों के द्वारा ही इसे वातावरण में फिर से वाष्पित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। चलिए आगे समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री यानी कि जो पदार्थ की जरूरत होती है वह क्या क्या है, तो देखिए हमारे यहाँ पे है पहला सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कच्ची सामग्री क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है, क्या क्या होती है। देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है ना, ये प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है, ये भी होता है कहां, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देना यानी कि बदल देना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है, अपघटन मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, एक नंबर के मार्क्स में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं स्टोमाटा क्या होती है, ठीक है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र यानी कि स्टोमाटा कहते हैं। जो पत्ती होती है, जैसा कि मैं अभी बताया, ये पत्ती होती है, ठीक है, तो पत्ती के ऊपरी सतह पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, ये छिद्र होती है, ठीक है। तो रंध्र के प्रमुख कार्य, अब हम इसके कार्य को समझ लेते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, किसके द्वारा, इन्हीं छिद्रों के द्वारा, पत्ती में जो छिद्र पाए जाते हैं इन्हीं छिद्रों के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है, आता है और जाता है, आता है क्या CO2 और जाता है क्या O2, ठीक है, ऑक्सीजन, बात आई समझ में। चलिए आगे समझते हैं क्या दिया हुआ है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी कि जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है, जैसा कि मैं अभी बताया था, ठीक है, जैसे एक्सेस पानी होते हैं जो पेड़ में, अधिक जो पानी होते हैं जो जरूरत नहीं होती है, वो पत्तियों की सतह पर आ जाते हैं, और यहाँ से जब सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, धूप जब पड़ती है, तो यहाँ से ये वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जो कि रंध्र यानी कि पत्ती की सतह का है, जो कि सूक्ष्म छिद्र है इसमें, और श्वसन गैसों की विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते तथा बंद होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक रंध्र जिसे हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है रंध्र छिद्र, जैसा कि हमें अभी डॉट डॉट देख के बता रहा हूँ। इसी को जब हम जूम करके देखेंगे, इसको हम मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो इसमें एक छिद्र दिखेगा, ठीक है, और क्या दिखेगा, द्वार कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या कहलाती है, ये कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं कहलाती है, ठीक है। देखिए दोनों साइड से कवर किया हुआ है, ये है आपका सहायक कोशिकाएं, ठीक है, ये जो होता है एरिया इसे हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं, और देखिए इस तरह के जो कोशिकाएं इसे हम बोलते हैं अधिचर्म कोशिका, ठीक है। तो चलिए आपका ये स्टोमाटा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है विषम पोषी पोषण, वहां तो हम स्व पोषी पोषण सीख लिए, अब है हमारा विषम पोषी पोषण। देखिए विषम पोषी पोषण यानी कि हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को तीन भागों में बांटा गया है, एक है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृत जीवी पोषण, और तीसरा है परजीवी पोषण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं होलोजोइक, स्पैरोफाइटिक, और तीसरा क्या है पैरासिटिक, ठीक है। देखिए प्राणी संपोषण में क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं यानी कि सभी भोजन पदार्थ का अपने अंदर लेते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, और उस भोज्य पदार्थ का पाचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, उदाहरण अमीबा और मानव, इनमें ये प्रक्रम होता है। दूसरा क्या है, देखिए मृत जीवी पोषण, क्या होता है मृत जीवी पोषण, देखिए मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर या फिर शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, जिससे कोई जीव मर जाता है उसके ऊपर जो वायरस बैक्टीरिया फंगस कवक वगैरह जो उगाते हैं उसी मृत जीव पर उसके शरीर पर ये उगाते हैं, ठीक है, और वहीं के कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस तरह के जीव को क्या बोलेंगे, मृत जीवी पोषण, ठीक है, स्पैरो
फाइटिक। उदाहरण के लिए है फफूंदी, क्या होता है फफूंदी और कवक, ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उन्हें अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरबेल, जू, फीता कृमि, ये सभी क्या है, ये जीव के शरीर में रहते हैं लेकिन उसे हानि नहीं पहुंचाते, मारते नहीं है बट उससे ही अपना एनर्जी को लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आगे अमीबा क्या है और अमीबा में पोषण। तो देखिए ये आपका अमीबा है, ये बहुत ही छोटा जीव होता है जो कि जल वगैरह में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। तो देखते हैं कि इसमें पोषण कैसे होता है, ये आखिर खाते कैसे है। देखिए इसके पास तो मुंह होता नहीं है, ठीक है, दांत भी नहीं होता चबाने के लिए, लेकिन ये कैसे खाते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखिए ये आपका एक अमीबा और ये इसका केंद्र कहलाता है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसे हम केंद्र बोलते हैं, और खाद्य कण और ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ये खाने का एक टुकड़ा है, तो इसे ही खाना है अमीबा को। ठीक है, देखिए क्या करेगा, ये पहले एक शरीर के स्ट्रक्चर को ये चेंज करेगा, पहले इस तरह का आपका क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि इसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। देखिए और आगे बढ़ने के बाद ये जो फूड का टुकड़ा है इसे अपने शरीर के अंदर दबाने की कोशिश करेगा, देखिए ये दबा रहा है, उसके बाद लास्ट में इसे अंदर ले जाएगा। और अमीबा के शरीर के अंदर अलग अलग केमिकल निकलता है जो कि इस भोजन के टुकड़े को क्या करता है, पचा देता है, और पचे भोजन का आपका अवशिष्ट के रूप में शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये होता है अमीबा में पोषण। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सारे वर्ड्स को लिखा गया है। देखिए भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है, यानी अमीबा क्या करता है पदार्थ की सहायता से इसे घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका, और उसके बाद कहाँ भेज देता है, खाद्य रिक्तिका में। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, और इसमें जो खाद्य रिक्तिका पाई जाती होगी उसमें खाद्य का जो जटिल पदार्थ है उसे क्या करता है, ये सरल यानी कि इजी में तोड़ देता है। पचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करती है, कोशिका की सतह की ओर गति करती है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जैसा कि मैं अभी बताया शरीर के किसी भी अंग से ये बाहर करता है। ठीक है, तो आपको ये अमीबा में पोषण भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामेशियम में पोषण। अब देखेंगे पैरामेशियम में पोषण कैसे होता है। तो पैरामेशियम में होता है पछियाव, जो कि कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये किस में होता है, पैरामेशियम में। चलिए आगे देखते हैं, आगे है मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है, देखिए अंतग्रहण है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और बाह्य क्षेपण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मनुष्य में पोषण होता है। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। देखिए आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली होती है। ये जो भोजन में जो पाचन होता है उसमें एक आहार नाल होता है जो कि यहाँ शुरू होता है और ये पूरे गुदा द्वार तक होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, मुंह में भोजन को ले जाता है, दांत उसको चबाता है, जीवा उसको मिलाने का काम करता है और लार ग्रंथि से लार निकलता है जिससे कि वो मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया है, मुंह भोजन का अंत ग्रहण करता है, दांत क्या करता है भोजन को चबाता है, जिह्वा क्या करता है भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाता है। ठीक है, मिलान करता है और लाल ग्रंथि से निकलने वाला रस को लार, ठीक है, लार रस या लार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है सेकंड पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट में है। देखिए भोजन ग्राशिका, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्राशिका की क्रामाकुचन गति यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। ग्राशिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, संकुचन मतलब कि सिकुड़ना और शिथिलन मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसा कि ऊपर हम पढ़े हैं जीहा, यहाँ होता है जीव, ठीक है, यहाँ पे होता है मुंह, फिर होता है ग्राशिका, उसके बाद ये अकृत जो कि पित्ताशय पित्त का भंडार होता है। ठीक है, पित्त नली, अग्नाशय, परिशेषिका, ये सभी पाचन तंत्र के एक मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, ग्राशिका, अमाशय, क्षुद्रांत, कोलन, गुर्दा, उसके बाद बड़ी आंत भी होती है इसमें। ठीक है, तो ये सभी आपका मानव पाचन का तंत्र है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं क्या इसके बारे में दिया हुआ है। तीसरा है इसमें अमाशय। अब अमाशय में क्या होता है, देखिए जठर ग्रंथियां जो कि होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ये सभी क्या करते हैं, देखिए पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन आपका पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, कौन, पेप्सिन। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि अगर आप खाना खाने के बाद किसी कारणवश आप वोमिटिंग कर देते हो तो आपको आपके मुंह में खट्टे खट्टे पदार्थ का टेस्ट आता है। ठीक है, वे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम
HCl के नाम से जानते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होते हैं। किसकी क्रिया में? पेप्सिन की क्रिया में, यानी ये एक तरह का पाचन की क्रिया होती है, उसमें ये सहायक होते हैं। उसके बाद श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। चलिए आगे क्या है हमारा, आगे है क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इसमें क्या होता है, आंत रस होता है और ये कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन इसी में पाचन होते हैं, ठीक है, परिवर्तित करता है क्या चीज में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा, वसा वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है और प्रोटीन क्या में बदलेगा, एमिनो एसिड में। एक तरफ से बोला जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, वसा मिलता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल से बना होता है, ठीक है। लगभग 18 से 20 टाइप्स के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एमिनो एसिड, ठीक है, और यही मिल करके क्या करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन को बनाते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, यकृत पित्तरस को देता है और पित्त लवण, वसा क्या करता है, पित्त लवण और वसा बड़ी गोलिकाओं को इमल्सीकरण द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ दिया जाता है। इमल्सीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि वसा के जो बड़े बड़े फैट्स होते हैं उसे क्रश करके या फिर बोली की उसे छोटा कर देता है, ठीक है। अग्नाशय के काम है अग्नाशिक रस को देना, ठीक है। अब इसमें सीख लेते हैं एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेस एंजाइम, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम को क्या में बदलेगा, पेप्टोसन में बदल देगा, ठीक है। उसके बाद है वसा, लाइपेज वसा अम्ल और स्टार्च, एमिलेस यानी कि ग्लूकोज। उसके बाद होता है दीर्घरोम, ठीक है, इसका क्या कार्य है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, ठीक है। जितने भी हमारे भोजन में पानी मिक्स होते हैं, वाटर मिक्स होते हैं, उससे उसको सोखने का जो दर है बढ़ा देता है, कौन, दीर्घरोम। आगे है फृद्रांत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, वाजी पदार्थ गुदा द्वार शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और जो बेकार के पदार्थ है उसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर के, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। आपको पता होगा जो हम भोजन को खाते हैं तो उसका उपयोग कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है। ये हमारा कोशिका, आपको पता होगा ये होता है केंद्रक, ये होता है कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इस तरह का गुणसूत्र वगैरह पाए जाते हैं, बहुत सारा चीज होता है कोशिका में। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसका उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जितने भी तरह के जैव प्रक्रम होते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, यहीं से ना एनर्जी जो मिलती है। ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। देखिए ऊर्जा विखंडन के लिए, जैसे अब हम जो भोजन खाते हैं उसका विखंडन होना चाहिए ना, तब तो ये टूट करके और भी एनर्जी को देगा, तो उसके लिए श्वसन आवश्यक होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, अब देखिए ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, जैसा कि यहां दिया हुआ है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन है, उसके बाद देखिए 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पाइरूवेट प्लस ऊर्जा और यहाँ पे 3 कार्बन होता है, क्लियर है सबको। देखिए यहाँ पे 3 केस आपको दिया हुआ है, क्या है, पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन का अभाव में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन तीनों सिचुएशन में क्या होता है उसे हम समझते हैं। देखिए ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होगी, जब ऑक्सीजन नहीं होगा और उस पीरियड में हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा बनता है, ईस्ट में किण्वन या ईस्ट का जो किण्वन होता है उसमें होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन मिले ही ना और हम सांस ले किसी भी अदर गैस का, तो वहां पे क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, इससे हमारी मृत्यु तुरंत हो सकती है, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव, क्या होता है ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन जब कम होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी कि लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा बनता है। ये जो होता है कहां होता है, हमारी पेशी कोशिका में होता है, ये प्रोसेस कहां होता है, हमारी पेशी कोशिका में। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति
दौड़ता है स्टार्टिंग टाइम पे, तो होता क्या है उसे, उसके मसल्स में यानी कि पैर के जो मसल्स होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे कि वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है, यानी कि दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 12 या 24 घंटे के बाद दर्द होना शुरू हो जाता है। वहां पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा नहीं मिली, क्योंकि जब इंसान दौड़ता है या चलता है तो ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो इस कंडीशन में लैक्टिक अम्ल बन जाता है जो कि हमारे बॉडी में पेन देता है। थर्ड है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होगी, पूरी मात्रा में होगी, तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और ये प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, अवश्वसन को दो भागों में बांटा गया है, एक है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यह होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, ग्लूकोज का उपचयन होता है पूरी तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पानी और ऊर्जा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, अपूर्ण मतलब पूरी तरह से अपचयन नहीं होता है, जिसमें एथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और यह कहां होगा, यह केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। इसमें क्या होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 36 ATP होता है ऊर्जा इसमें। ठीक है, और यह मानव में होता है, इसमें क्या है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि 2 ATP। देख रहे कितना कम है, यहाँ 36 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, और ये होती कहाँ है, ईस्ट में। ठीक है, तो वायवीय और अवायवीय श्वसन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, अब है मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, नासा द्वार होता है, ग्रासनी होता है, कंठ होता है, श्वास नली, श्वासनी। ठीक है, उसके बाद देखिए श्वसनिका, फुफ्फुस या फेफड़े, कुपिका कोष, रुधिर वाहिकाएं, तो ये सभी आपका मानव श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए इसे हम डायग्राम से समझ लेते हैं फटाफट से, क्या दिया हुआ है डायग्राम में। देखिए, ये होता है नासा द्वार, जहां से ऑक्सीजन को लिया जाता है। ठीक है, मुख्य गुहा या ग्रासनी कंठ। ठीक है, मुख्य गुहा, ग्रासनी कंठ, ये सभी इसका नाम है। ठीक है, श्वास नली होता है यहाँ पे, उसके बाद है उपास्थि वल्लय। ठीक है, ये राउंड राउंड टाइप से होता है, उसे उपास्थि वल्लय बोलते हैं। उसके बाद देखिए, ये फेफड़ा का जो चित्र बनाया गया है, और ये फेफड़ा का जो अंदर का जो भाग होता है उसे यहाँ जूम करके दिखाया गया है, इसे बोलते हैं कुपिका, और इसे बोलते हैं श्वसन श्वसनिकाएं। ठीक है, आगे देखिए, श्वासनी होता है यहाँ पे, ये जो चीज दिख रहा है इसे श्वासनी, उसके बाद श्वासनिका होता है, कुपिका कोष, डायफ्राम होता है, देखिए यहाँ पे ये फेफड़ों को सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, फुफ्फुस होता है, पसलियां होती है, ठीक है, जो कि फेफड़ों को रक्षा करती है। तो ये है आपका मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र में आखिर होता क्या है, मानव श्वसन तंत्र की क्रिया, एक होता है अंतःश्वसन और दूसरा उच्छ्वसन। ठीक है, अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है, वृक्षीय गुहा फैलती है। ठीक है, वृक्षीय गुहा क्या होती है, फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। ठीक है, ये होता है अंतःश्वसन में। आगे देखिए, उच्छ्वसन में क्या होता है, वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां स्थिर हो जाती है, वृक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु फेफड़े से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतःश्वसन क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना, क्या कहलाता है, अंतःश्वसन। फिर है उच्छ्वसन, फेफड़ों से वायु या गैस को बाहर निकालना, क्या कहलाता है, उच्छ्वसन। फिर है स्थलीय जीव, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, कुपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे कैसे होता है। देखिए, पहला क्या है, वायु O2 के फॉर्म में होता है, कुपिका में जाता है, रक्त वाहिका होता है उसमें, वहां पे O2 मिलता है, और वहां पे क्या रहता है, RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। ठीक है, ऑक्सीजन में ये हीमोग्लोबिन मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह धमनी द्वारा O2 ग्लूकोज का ऑक्सीजन उत्तकों में होता है और CO2 का उत्पादन उत्तक में।
तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है और सेकेंड पार्ट आपका जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट करें, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना ही जल्दी वीडियो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा जल्द ही आ जाएगा जिसमें कि इसमें सारे टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में ये बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए मैं इसे सेकेंड पार्ट में जरूर लाऊंगा, ठीक है। अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द आपके सॉल्यूशन को देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक लिए अपने पढ़ाई को जारी रखें, अच्छे से इसका नोट्स बना लें और अपनी तैयारी करें बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।